95% लोग गलत तरीके से चाय बनाते हैं, उस वजह से बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से मुख्य है एसिडिटी। एसिडिटी गलत तरीके से चाय पीने का के कारण मुख्यतः इंडिया के लोगों में होती है। जैसे हम लोग भारत में चाय बनाते हैं, ऐसे सारे वर्ल्ड में कहीं भी इस तरीके से चाय नहीं बनाई जाती। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले हम चाय के पानी, चाय में पत्ती उबाल लेते हैं और इसको बहुत ज़्यादा देर तक उबलने देते हैं। जब ये पत्ती उबलते हुए पानी में ज़्यादा टाइम तक खौलती रहेगी तो इसमें से टैनिंस और बहुत सारे विषैले पदार्थ निकलने लगते हैं और इसमें से एसिडिटी होती है। इस वीडियो में मैं आपको एक बार और बात बता दूं कि लोग नॉर्मली इसके एल्युमिनियम के बर्तनों का खंडन करते हैं कि ये नहीं यूज करना चाहिए। तो जो चीज़ों का पीएच लेवल लो होता है या जो एसिडिक होती हैं, जैसे नींबू हो गया, अचार हो गया या दही हो गया, लस्सी होगी, ऐसी चीज़ें हमें एल्युमिनियम के बर्तनों में यूज़ नहीं करनी चाहिए जो चीज़ें एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करती हैं। नॉर्मली जो साइंस ये कहती है कि जो एल्युमिनियम है इसका इतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन नॉर्मल फूड कुकिंग में इतना ज़्यादा नहीं होता कि हमारे लिए किसी तरह का हानिकारक हो। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको उबालते रहते हैं, उबालते रहते हैं, उबालते रहते हैं। उसके बाद क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उबल चुकी है और उसमें एसिडिक पदार्थ बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो उसके बीच में फिर हम दूध भी की मात्रा भी ज़्यादा डालनी पड़ती है, क्योंकि दूध अगर दूध जो है वो एसिडिटी को कम करेगा। अब इस तरह की जो बनाई हुई चाय है पेट में तेजाब करती है, इसकी वजह से हमें बिस्किट या कुछ ना कुछ साथ में खाना पड़ता है। इन सभी चीज़ों की वजह से जो बंदा डायबिटिक है उसके अंदर फालतू की कैलरीज जाएंगी, जो ओबीज है जिसको मोटापा है उसके अंदर भी एक्स्ट्रा कैलरीज जाएंगी और उसका मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज़ वाले की डायबिटीज़ बढ़ेगी। अगर हम चाय सही तरीके से बनाएं तो हमें ना तो डायबिटीज़ का चिंता होगी क्योंकि हम चाय के साथ बहुत ज़्यादा दूध यूज़ नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा हमें कुछ साथ में खाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सही तरीके से चाय कैसे बनती है। उसमें हमने क्या करना है कि दूध और पानी को पहले ही उबाल लेना, क्योंकि ये पानी जो है ये पहले से ही हमने उबलता हुआ पानी ले लिया ताकि टाइम सेव करने के लिए। इसमें दूध बहुत थोड़ा सा डालना पड़ता है, नाम मात्र, और जब ये खोलने लग जाए, इसको उबलने लग जाए, उसके बाद हमने इसको किसी बर्तन में शिफ्ट करना है जहां जिस बर्तन में हम चाय पीना चाहते हैं। तो अभी हाँ, और इस दौरान मैं आपको ये भी बताता हूं कि ग्रीन टी जो है उसको बनाने में भी एक दिक्कत है। ग्रीन टी में हम क्या करते हैं, ग्रीन टी का ये सैशे हमने डाला और साथ ही साथ इसके अंदर खोलता हुआ पानी डाल देते हैं। अब अगर इस तरीके से हम ग्रीन टी बनाएंगे तो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो बहुत ही हीट अनस्टेबल होते हैं। इतनी ज़्यादा गर्म पानी के अंदर जब इसको ग्रीन टी को डाला जाएगा तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनका हमें फ़ायदा होने वाला है वो उड़ जाते हैं वाष्प बन के। तो ग्रीन टी को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि या तो इसको जैसे गर्म पानी डाला, इसको कम से कम 5 मिनट पड़ा रहने दें। अगर हमारे पास समय का अभाव है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी डालेंगे, फिर उसके बाद हम इसको इसके अंदर टी बैग डाल के इसको ढक देंगे। ढकने से क्या है कि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो इसके अंदर ही रह जाएंगे। फिर इसको हम लगभग 2-3 मिनट तक इसको ढका रहने देंगे, उसके बाद हम इसको पीना शुरू करेंगे। अब बात आ गई इस वाली चाय की, इसमें हमने क्या किया, अब उबल गया पानी और दूध, इसको अब हमने बंद कर देना है और पत्ती इसके अंदर डाल देनी है। पत्ती डाल के इसको ढक देंगे। अब हमारे पास समय का अभाव है, अदरवाइज इसको 2 मिनट तक इसको ऐसे पड़े रहने देना है। उसके बाद इसको छान लेंगे, और इसके बीच में फिर आप चीनी या गुड़ या जो भी आप ठीक समझें। अगर आप डायबिटिक हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि चीनी वगैरह जो है वो बहुत कम लें या ना लें अपनी बीमारी के हिसाब से, और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं और आपको मोटापा नहीं है तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी इसमें लाइक डाल के ले सकते हैं। ये विधि जो है उन लोगों के लिए ज़्यादा आवश्यक है जो कि दिन में 2 से ज़्यादा कप चाय पीते हैं। 2 कप तक अगर आप नॉर्मल चाय भी बनाते हैं, जैसे हम काढ़ के बनाते हैं, कई बार कईयों का टेस्ट ऐसा बना होता है कि इसके बिना रह नहीं सकते, लेकिन ये याद रखिए अगर 2 बार से ज़्यादा चाय पीते हैं तो आपको इस तरीके से बना के पीनी चाहिए। इस तरीके से आप अगर 3-4 कप भी सारे दिन में पी जाते हैं, 5 कप भी पी जाते हैं तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। और अगर आप
इस तरीके से चाय पीना चाहते हैं तो एक या दो बार से ज़्यादा मत पिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर मुकुल सालदी है, मैं एक आहार विशेषज्ञ और आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और करनाल तेज क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक है।